हेलो सिक्स स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आज हम हमारा एसएस का 15 चैप्टर देखेंगे, गवर्नमेंट। हमारा कंट्री इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। अब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, हम अभी हमारा घर का जो भी है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाता है, हमारे एल्डर्स यानी मम्मी पापा जो भी है वो। वैसे ही एक कंट्री का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी है उसका, उस कंट्री का हिसाब, जो भी इनकम का और जो भी वो स्पेंड कर रहे पब्लिक के वेलफेयर के लिए, ये सारी चीज़ों का डिटेल रखना एक कंट्री का, एक गवर्नमेंट का काम है ये। और हमने ये वर्ड गवर्नमेंट हम अपने डेली न्यूज़पेपर में सुनते हैं, टेलीविज़न में सुनते हैं और बहुत से कन्वर्सेशन में भी हमने सुना होगा। तो इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही ज़रूरी है एक नेशन को, नेशन के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। जो भी शासन है वो चलाने के लिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत है। गवर्नमेंट के जो भी गवर्नमेंट है वही एक नेशन में डिसीजन भी वही लेते हैं। और गवर्नमेंट वर्क्स जो भी है वो प्लान किए जाते हैं, जिसके वजह से एक कंट्री की डेवलपमेंट भी होती है। और कॉन्स्टिट्यूशन को माइंड में रखते हुए नेशन जो है वो इम्प्लीमेंट करता है रूल्स को और रिफॉर्म भी करता है। कुछ भी रूल्स नए बनाने हैं तो भी वो रिफॉर्म करता है। द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री इज इलेक्टेड थ्रू वोटिंग बाई पीपल। और ये गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट कैसे होते हैं, पीपल के वोटिंग के थ्रू इलेक्ट होते हैं। यहाँ पे एक न्यूज़पेपर का पिक्चर भी दिया हुआ है। अब इस पिक्चर से हमें अलग अलग फंक्शन होते हैं, इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट के अलग अलग फंक्शन से डिसीजन है, एडवर्टाइजमेंट भी अलग अलग होते हैं। तो इससे हमें अलग अलग गवर्नमेंट के अलग अलग जो भी फंक्शन से उसके बारे में डिटेल हमें न्यूज़पेपर से, मैगजीन से और हमारे सराउंडिंग से मिल जाता है। और डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, मतलब पीपल से ही मिला, पीपल के लिए ही हो रहा, पीपल से ही हो रहा है। इन डेमोक्रेटिक सिस्टम द गवर्नेंस गवर्नमेंट होल्ड द फॉरमोस्ट प्लेस। डेमोक्रेटिक सिस्टम में गवर्नेंस जो है वो, गवर्नमेंट जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी कंट्री का गवर्नमेंट, आवर कंट्री आवर गवर्नमेंट। आवर कंट्री इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, हमारा कंट्री जो है वो कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी है। आवर्स इज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड विद इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री कौन सा है, इंडिया ही है। यहाँ ज़्यादा नंबर्स ऑफ वोटर्स है, वो भी एक रीज़न है। दैट्स वाई गवर्नमेंट वर्क ऑन द वेरियस लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली अगेंस्ट सम प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टीज, इसी के वजह से गवर्नमेंट जो है वो वर्क करता है अलग अलग लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली जो भी प्रॉब्लम्स है, डिफिकल्टीज है, उसे सॉल्व आउट करते हैं। लोकल सेल गवर्नमेंट्स के स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। अब कौन कौन वर्क करता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल सेल गवर्नमेंट जो है वो वर्क करते हैं। यहाँ पे पिक्चर में दिया है, सॉरी टेबल फॉर्म में दिया है, लोकल गवर्नमेंट जो विलेज और सिटी का देखता है, देखभाल करता है, जो जिसका इंचार्ज कौन है, लोकल गवर्नमेंट। और एंटायर स्टेट का इंचार्ज कौन है, स्टेट गवर्नमेंट। और पूरे नेशन का कौन चार्ज है, सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज नेसेसरी फॉर एट वेरियस लेवल, ऐसे अलग अलग लेवल्स में गवर्नमेंट बहुत ही जरूरी है। दिस वेज ऑफ गवर्नेंस एट वेरी यूजफुल फॉर द फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल, कोई भी रूल को फॉर्म करना और उसे इम्प्लीमेंट करना, ये बिना गवर्नमेंट का हो ही नहीं सकता है। हमें गवर्नमेंट के बारे में और उनके लेवल के बारे में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, हम पहले भी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। और इनके जो लेवल है वो उससे क्या होता है, डेवलपमेंट और रूल्स जो भी है उसे मेंटेन रखना, लॉ जो भी लॉ एंड ऑर्डर है उसे मेंटेन रखने के लिए भी बहुत ही ये हेल्पफुल है। डेमोक्रेटिक सिस्टम हैज़ बीन अडॉप्टेड इन अवर कंट्री, हमारी कंट्री ने डेमोक्रेसी सिस्टम अडॉप्ट की है। इन द कंटेंट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस डिपेंडिंग ऑन इट्स स्ट्रक्चर वेरियस आर सीन इन द गवर्नेंस सिस्टम। अब इनके सिस्टम में बहुत कुछ देखने को मिलेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब हमारे कंट्री का गवर्नमेंट कैसा है, आवर कंट्री हैज बीन डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, सबको पता है कि हमारा कंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम है। ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड डू नॉट हैव डेमोक्रेटिक सिस्टम, पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज सारे डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं रखते। तो इस चलो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इन दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पीपल इलेक्टेड रिप्रेजेंटिंग टू थ्रू वोटिंग,
इस सिस्टम में क्या होता है, पीपल जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोटिंग से सिलेक्ट करते हैं, और जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होता है वो विनिंग कैंडिडेट से, जो कैंडिडेट ज़्यादा वोट पा रहा है वो विन हो जाता है। और गवर्नमेंट फंक्शन कीपिंग इन द पब्लिक इज़ द सेंटर ऑफ डेमोक्रेसी, और ये गवर्नमेंट फंक्शन को पीपल के हाथ में दे दे रहा है, वही सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये मेजर रोल प्ले करता है। और लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इससे फॉर्म होते हैं इलेक्शन से। कुछ कंट्रीज में चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो है इलेक्ट होते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेमोक्रेसी से, और कुछ कंट्री में वर्ल्ड प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी भी देखने को मिलती है, हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। और ये ऐसा कहा जाता है कि डेमोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट का वो जो भी पीपल से ही रन हो रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू इलेक्शन, हम पीपल ही लोगों को इलेक्ट कर रहे हैं, हमारे लीडर को चूज कर रहे हैं और वही फिर रूल करते हैं। देर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ डेमोक्रेसी फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है जो प्रोटेक्शन और प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए। दस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड राइट्स ऑफ द पीपल, इसीलिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। और जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें पीपल का मेजर रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, और गवर्नमेंट जो है वो पीपल के लिए ही काम करते हैं। और इस इलेक्शन का इलेक्टेड गवर्नमेंट का टेन्योर कितना, मतलब कितना टाइम पीरियड है, 5 ईयर्स तक ये रूल सकते हैं, 5 ईयर्स के बाद चेंजेस भी हो सकती है। नेक्स्ट इज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, और ये अभी नेक्स्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट आया कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, इक्वालिटी और सिमिलैरिटी जो है वो सबको दिया जाता है इंपॉर्टेंस। द गवर्नमेंट वर्किंग ऑपरेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिज्म मैनेज ऑफ द सिस्टम, और यहाँ का गवर्नमेंट कम्युनिज्म के मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम से काम करेगा ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी एंड सिमिलैरिटी। कुछ कंट्रीज जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट में आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म आज भी देखने को मिलता है, और वैसे कंट्रीज में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट देखने को मिलेगा हमें आज भी। इन सम कंट्रीज इन द वर्ल्ड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इज फॉर्म थ्रू इलेक्शन, इलेक्शन से भी फॉर्म होता है कुछ कंट्रीज में। और कुछ एग्जाम्पल है कि कुछ रूलर्स जो है वो एक गवर्नमेंट बेस्ड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के फॉर्म में बनाकर और सोल रूलर बन जाते हैं, रूल करते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट इज डन कंसिडरिंग इकोनॉमिकल आइडियोलॉजिकल एंड इंटेलेक्चुअल इक्वालिटी अमॉन्ग वर्कर्स लेबरर्स एंड एक्सप्लॉयटेड पीपल, ये सारी चीज़ों को नज़रअंदाज रखते हुए ही जो भी है इलेक्शन हेल्ड होता है। टुडे सम रूलर्स हु हैव रूल्ड इंडिविजुअली और फोर्सफुली हैव लेफ्ट कम्युनिज्म एंड अडॉप्टेड मोनार्ची और डिक्टेटरशिप। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इज नोन इन द वर्ल्ड एज अ लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, द वेरी आइडियोलॉजी। अब कुछ लोग जो थे पहले कम्युनिज्म अपनाए थे, वो गवर्नमेंट को छोड़कर, उन्होंने कम्युनिज्म को छोड़कर मोनार्ची और डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट भी अपना लिए हैं। और ये जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है इसे हमारे वर्ल्ड में इसे क्या नाम दिया है, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, धबेरी आइडियोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज मोनार्ची, इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, एक पर्सन जो है वो रूल करेगा एज अ रूलर, और जो टाइटल है वो रूलर का वो इनहेरिटेड होता है, और पीपल डू नॉट हैव राइट टू चूज देयर रूलर इन देयर टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इसमें पीपल के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। मोनार्ची आज भी कुछ कंट्रीज में देखने को मिल रहे हैं, कुछ प्लेसेस में मोनार्ची इलेक्शन जो है वो नाम के लिए होता है, लेकिन कुछ प्लेस में आज भी ये मेन के तौर पर यूज हो रहा है। इन मोनार्ची द रूलर टेक डिसीजन कीपिंग हिमसेल्फ इन द सेंटर, और यहाँ मोनार्ची में क्या होता है, डिसीजन जो भी लेते हैं वो खुद को सेंटर में लेके ही लेते हैं, और जो भी डिसीजन एक पर्सन से टेकन हो रहा है वही फाइनल किया जाता है। और एम्फेसाइजेस इन द प्लेसेस वेल बीइंग एंड कन्वीनियंस ऑफ रूलर रादर देन पीपल, और यहाँ पीपल को कम जो भी है वो जो भी कन्वीनियंस है वो कम मिलती है रूलर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, हमारे डेमोक्रेसी की क्या वैल्यूज हैं, हमने देखा कि जो भी रूल है हमारे लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल में है, जो भी डेमोक्रेसी फंक्शन होता है वो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल और वेलबींग ऑफ पीपल को एक अलग ही रोल देता है। पीपल एंड देयर नीड आर कीप्ड इन द सेंटर वाइट पर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, कोई भी चीज़ प्लान करने के टाइम पे पीपल की नीड को ध्यान में रख के ही किया जाता है। डेमोक्रेटिक रूलर जो होते हैं वो गवर्नमेंट को रन कर रहे सो दैट द पीपल कास्ट वोट देयर इन फेवर, जिसके वजह से पीपल जो है अपने फेवर में ही वो
वोट कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर प्रिजर्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस में ही जो भी वैल्यूज है वो उसे प्रिजर्व किया जा रहा है, और डेमोक्रेटिक एंड सॉरी डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द पीपल को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग प्लान्स बनाते हैं, अलग अलग स्कीम्स बनाते हैं टू इंश्योर इक्वालिटी सिक्योरिटी एंड कन्वीनियंस टू एवरीबडी, सबके लिए वो इक्वल है ऐसा ही वो बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे गवर्नमेंट एंड लॉस। सी यहाँ पिक्चर में गॉडेस ऑफ जस्टिस का इमेज दिया है और यहाँ पे पिक्चर ऑफ वोटर का भी इमेज दिया है। सो गवर्नमेंट एंड लॉस में क्या है, फ्रेमिंग ऑफ लॉस इज द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम क्या है, लॉ फ्रेम करना, लॉ बनाना। ऑल शुड फॉलो द लॉ, सबका फर्ज है कि हमें लॉ फॉलो करना है। वेरियस लॉस हैव इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। कुछ लॉस ऐसे होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस में है गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट हैज़ पावर टू अमेंड लॉस अलॉन्ग विथ देयर इम्प्लीमेंटेशन। गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो लॉस बनाए और उसे इम्प्लीमेंट करे। पीपल कैन चैलेंज द गवर्नमेंट लॉस, पीपल चैलेंज भी कर सकते हैं। पीपल कैन सीक कोऑपरेशन ऑफ कोर्ट्स फॉर द राइट्स एंड अगेंस्ट इनजस्टिस डन टू देम। In the contents of the law and procedure of the government, when people feel that they do not implement it properly, they can raise voice in their court. और people court में जाके अगर उन्हें लग रहा है कि उन्हें उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, ये rule अच्छी नहीं है, तो वो court में जाके अपना केस कर सकते हैं और अपना आवाज उठा सकते हैं उसके खिलाफ। द कोर्ट में सजेस्ट और ऑर्डर द गवर्नमेंट फॉर वेरियस इश्यूज वेर एवर द नीड इज फेल्ट। और कोर्ट का ये हक है कि कहाँ उसे लगे कि नहीं ऐसे पीपल के वेलफेयर के लिए कुछ इश्यू से इसे चेंज करना है, तो वो बोल भी सकता है कोर्ट। सो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।